ऑन कर दे, कर दे, यूट्यूब पे आ गया। हाँ जी, इसमें है पेज नंबर 233। हाँ चल गए, अब चेक कैसे करूँ इसको? कुछ अलग है और गाइडलाइंस वगैरह नहीं दी हुई है इसमें। इसमें बेसिकली क्या क्या हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं वो दिए हिंदी में। तो आ जाते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NCERT। ये भी हमने पॉइंट्स लास्ट क्लास में डिस्कस तो किए थे थोड़े से, पर आई थिंक क्लास ओवर हो गई थी। तो स्टार्ट करते हैं आज एम्स। पेज नंबर इंग्लिश बुक में क्या बताया मैंने? 201। धन्यवाद। एम्स हमें पता है क्या होते हैं, मोटिव, जो भी हम करिकुलम फ्रेमवर्क जो बनाए हमारे लिए उसमें इसको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वो बनाया गया है स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आता है इसमें फर्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग अ कोहेसिव सोसाइटी बेस्ड ऑन पिलर्स ऑफ रेलिवेंस, इक्विटी एंड एक्सलेंस। तो देखिए करिकुलम फ्रेमवर्क बेसिकली किस मोटिव को फॉलो करता है, किस मोटिव को एम्फेसिस करता है? एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए। और एजुकेशन इम्पार्ट हम क्यों करते हैं? आउटपुट करने के लिए, बिल्डिंग अ कोहेसिव सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी बनाने की के लिए जिसमें क्या होगा, सभी लोग इंडिविजुअल्स जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, उनका माइंडसेट डेवलप हो चुका है, वो क्या कर रहे हैं अपने फील्ड में एक्सीलेंस कर रहे हैं। तो ये हमारे एजुकेशन के मोटिव जो भी होते हैं वही मोटिव बेसिकली आधार बनेंगे, फंडामेंटल रहेंगे किस लिए, करिकुलम फ्रेमवर्क के मोटिव्स के लिए। तो सेकंड पॉइंट है इसका यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। हमने लास्ट क्लास में बात की थी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का क्या करना है हमें, सार्वभौमिकरण करना है, हमें सारे में फैलाना है उसको, यूनिवर्सलाइजेशन। तो यानी कि हमें अवेयरनेस फैलानी है उसके लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज रखना है, और क्या करना होता है यूनिवर्सलाइजेशन में, सबसे पहले तो अवेयरनेस लोगों में फैलाएंगे कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके ऊपर ध्यान देंगे। प्लस उसके लिए फिर हम अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए ना रिसोर्सेज की। अगर हमें पता है ठीक है एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम कहाँ जाके पढ़े, स्कूल ही नहीं है हमारे पास, आंगनवाड़ी नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा मोटिव वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को भी मैनेज करना है। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग द इंटरफेस बिटवीन कॉग्निशन इमोशन एंड एक्शन। कॉग्निशन इज डेवलपमेंट, बेसिकली जो हम मोटर स्किल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट कॉग्निशन में आता है। नेक्स्ट इज इमोशन, जो बच्चा मेंटली डेवलप हो रहा है वो इमोशन में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है एक्शन, एक्शन यानी कि एग्जीक्यूशन में जो भी नॉलेज हमने अभी तक इम्पार्ट की है वो एग्जीक्यूट अपनी लाइफ में कर पा रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड। तो क्या हो गया, कॉग्निशन, इमोशन एंड एक्शन, तीन चीज़ों पर बेस्ड हमारे मोटिव रहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के। नेक्स्ट इज एम्पावरिंग टीचर्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। टीचर्स ट्रेनिंग हमेशा से बात करते जा रहे हैं, तो टीचर्स ट्रेनिंग किसकी होती है, टीचर्स को डेवलप करने के लिए, यानी कि टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए। आप एक बार टीचर बन जाते हैं, आप पढ़ा रहे हैं अच्छे खासे स्कूल में, तो क्या 10 साल बाद भी आप वैसे ही पढ़ाते रहेंगे तो काम चलेगा? नहीं, आपको अपने टीचिंग मेथड्स में, आपको अपनी नॉलेज में अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी। और ये सब कौन करता है, किसकी जरूरत होती है, ये कौन करेगा, स्कूल करेगा ना। स्कूल आपको वर्कशॉप दिलवाएगा, डिस्कशंस कराएगा, या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स आपके लिए रखेगा, ट्रेनिंग क्लासेस रखेगा, जिसके ज़रिए आप टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहेंगे और आपका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो फ्लेक्सिबल होता है, हमने फ्लेक्सिबिलिटी की क्लास में बात की थी लास्ट क्लास में, कि फ्लेक्सिबिलिटी की जो ज़रूरत होती है कि किसी भी टाइम हम कोई भी चीज़ ऐड ऑन कर सके, कोई भी चीज़ निकाल सके, तो टीचर्स भी उससे अफेक्ट ना हो, इसलिए हमें टीचर्स के डेवलपमेंट पे भी पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स। अब जब किसको पढ़ा रहे हैं हम, ह्यूमंस को पढ़ा रहे हैं ना, तो ह्यूमंस को जब हम पढ़ाते हैं तो हम क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ह्यूमन डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे वैसी की वैसी, है ना। हम क्या डेवलप कराते हैं, पर्सनैलिटी डेवलप करा रहे हैं ना पढ़ाकर, एजुकेशन प्रोवाइड करके। तो पढ़ाने से क्या हो रहा है, क्या फ़ायदा होता है पढ़ने से, इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है, सेल्फ आइडेंटिटी बनती है। अगर उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे या शुरुआत से हम उसको सपोर्ट करेंगे,
एक छोटा सा पेड़ जब हम पौधा लगाते हैं सबसे पहले, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है ना, जब तक वो जड़ें मजबूत ना हो जाए, उसका जो स्टेम है वो मोटा ना हो जाए, तब तक कि वो अपने बल पर खड़ा रह सके। तो वैसे ही हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या चीज इन्वॉल्व करेंगे कि हम बच्चों की एग्जिस्टेंस को, उनकी डिग्निटी को, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को स्ट्रेंथन करें ताकि वो आगे स्ट्रॉन्गली खड़े रह सके। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन। जब हम क्रिएटिविटी की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो क्रिएटिविटी से क्या होता है, क्या होता है क्रिएटिविटी से, कोई फायदा होता है क्रिएटिविटी का क्या, कि आपको आपके थॉट्स की क्लैरिटी आपको समझ में आती है, आपको नई चीजें करने का सोचते हैं, रटाफिकेशन जो होती है उसको खत्म करते हैं, हमारे जो पुराने मेथड्स चलते आ रहे हैं उनसे निजात मिलता है हमें और हम नई चीज को डिस्कवर कर पाते हैं, तो वो सब क्रिएटिविटी करती है। तो जब क्रिएटिविटी कर रही है तो क्रिएटिविटी क्या करेगी, बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स, हमारे विचारों को स्वतंत्रता देगी, जिससे क्या होगा हम अपने बल पर कुछ सोच पाएंगे, कोई काम कर पाएंगे, अदरवाइज डायरेक्शन देते रहेंगे टीचर्स, हम वही करते जाएंगे तो क्या होगा, उससे एक मोनोटनी आ जाएगी ना, सेम चीज करे जा रहे हैं बहुत टाइम तक, तो क्या होगा, कोई न्यूनेस नहीं रह जाएगी उसके अंदर। तो इसीलिए हमें फ्रीडम ऑफ थॉट की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम करिकुलम फ्रेमवर्क में इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी टू अदर्स वेलबींग एंड फीलिंग। इमोशनल डेवलपमेंट जब होता है हमारा, तो उससे क्या क्रिएट होती है, सेंसिटिविटी हमारे अंदर, सहजशीलता, कि हम सहज बन जाते हैं, कंफर्ट लेवल हमारे अंदर एक डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है, धर्म निरपेक्षता। क्या होती है धर्म निरपेक्षता, कि हम अपने धर्म के अलावा बाकी धर्मों को भी इक्वल रिस्पेक्ट दें और क्या करें, उनको भी सेलिब्रेट कर सके, उनके फेस्टिवल्स को, उनके बिलीफ को भी हम मान सके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे धर्म की तरफ डाइवर्ट हो जाएं और वही सब करने लग जाएं जो बाकी सब करते हैं, हम क्या करें, हम उनको रिस्पेक्ट दें एटलीस्ट, हम उनकी इंसल्ट ना करें, हम उन्हें ये ना बताएं कि ये चीज़ गलत है करना और हमारी जो हम करते आए हैं अभी तक वही चीज़ ठीक है, इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। फिर आता है कंसर्न फॉर अदर्स वेलबींग, दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचना। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या मेन एम है हमारा, कि हम दूसरों के बारे में, दूसरा कौन, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, देन हमारी कंट्री, हम इनके बारे में सोचें। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग इंडिजिनस नॉलेज। इंडिजिनस नॉलेज मतलब बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज, या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारी शुरुआत से चलती आई है। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड सिटीजन सिविलाइजेशन। क्या करना है हमें, अपनी इंडिया की इंटीग्रिटी को देखना है, ध्यान रखना है, कहाँ पर, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड सिविलाइजेशन की बात हो रही है, वहाँ पे अपनी सिविलाइजेशन को हमें क्या करना है, प्रतिनिधित्व करना है उसका। ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस हो गए थे, आज क्या हुआ, सब लोग बड़े बोर लग रहे हो, पहले से क्या बात है, बोर्ड बैठे हुए, कोई स्माइल नहीं कर रहा, कोई वेलकम नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, हाँ क्या बात हो गई आज, सबका थोड़ा डाउन है, एनर्जी बोर हो चुके हो क्या बहुत ज्यादा, भाई जवाब तो दो, स्माइल करो अच्छे से, सब लोग स्माइल करके पढ़ोगे ना तो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी अंदर, पॉजिटिव नॉलेज जाएगी अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग यूज ऑफ कल्चरल स्पेसिफिक पेडागॉजी, यानी कि हमारे कल्चर से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, जो भी हम अपनी कल्चर में सीखते हैं, लर्निंग है, वो हम आगे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेंगे, जिससे क्या होगा, क्या होगा, हमारी कल्चर रिच बनेगी और हमारी जो एथिक्स है, वैल्यूज है, वो फॉर्मुलेट हो जाएंगी हमारे अंदर। नेक्स्ट इज कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बस ब्रीफ किया है मैंने कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र जो हमारे देश में चल रहा है, जिसकी गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, लोकतंत्र सरकार है हमारी, तो उसमें क्या हमारा रोल होता है, एज अ सिटीजन हमारा क्या रोल होता है, कि हम अपने डेमोक्रेसी को, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करें और उसको माने, उस पर बिलीफ रखें, उसको एग्जीक्यूट करें, अप्लाई करें अपनी लाइफ में। क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी, फ्रीडम सबके लिए, ये सब ही कहता है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन सब चीज़ों को पर बिलीफ रखें और उसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करें। तो ये हो गया हमारा
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के एम्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आ सकता है। हाँ, इसकी बातें जो है वो सब पुरानी है जो हम ऑलरेडी सुनते आए अभी तक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए इसमें क्या है, करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट। तो स्कूल में कैसे कैसे करिकुलम फ्रेमवर्क काम करता है या किन किन चीजों को इन्वॉल्व करता है, ये सब बड़ा इजी है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगेन ये वाला क्वेश्चन आ गया पेज नंबर 204 पर, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। हम कर चुके हैं ऑलरेडी करिकुलर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में अब हम इन सबको हम स्किप करते हैं, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 208, राइट टू एजुकेशन। ये न्यू टॉपिक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसको हाँ जी पीछे क्या, पेज नंबर 208 है इंग्लिश बुक में, हिंदी बुक में मैं बताती हूँ एक मिनट। हिंदी बुक में है पेज नंबर 238 पर, शिक्षा का अधिकार। तो देखिए बेसिकली राइट टू एजुकेशन एक्ट, हम इसके बारे में ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं। क्या है ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी कि हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का, हर बच्चे का राइट है एजुकेशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है। ये है कहाँ पे, आर्टिकल 21A में मेंशनड है ये हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट। और इसमें क्या बताया गया है कि ये कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हैं इसके, लिमिटेड क्या, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें एजुकेशन को लेकर बच्चों की, कि हम इस टाइम से, कब ये फोर्स में आया था, 1 अप्रैल 2010 को, और प्रपोज किया गया था 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो जब ये फोर्स में आया तो इसके बहुत सारे कुछ मेन फीचर्स थे जिनको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया था। और वो फीचर्स किसको फैसिलिटेट करने के लिए हैं, बच्चों को, बेसिकली गरीब बच्चों को या माइनॉरिटीज के बच्चों को, जिन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं एजुकेशन के लिए, प्लस फाइनेंशियल बैकग्राउंड कम होने की वजह से, लो होने की वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज वो अवेल नहीं कर पाते हैं एजुकेशन की। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट बेसिकली इज एजुकेशन फॉर ऑल अप टू द एज ऑफ 6 to 14 years, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, तो ये हम काफ़ी सारी चीज़ों में लिख चुके हैं पहले, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द एज ऑफ 6 to 14। ठीक है, तो बेसिक तो यही मेन पॉइंट है, लेकिन और भी बहुत सारे इसमें की पॉइंट्स हैं जो हम लिखेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 years। तो अब 6 to 14 years एज के बच्चे कौन सी क्लास तक, प्राइमरी स्कूल बेसिकली है ना, प्राइमरी और जो मिडिल स्कूल होता है, मतलब कि 8th class तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी गवर्नमेंट के हिसाब से, राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, नो चाइल्ड शेल बी हेल्ड बैक। क्या मतलब है हेल्ड बैक का, कि किसी भी बच्चे को हम पीछे नहीं कर सकते, पीछे नहीं कर सकते मतलब एजुकेशन का हक दिलाने से पीछे नहीं रह सकते, प्लस हम उसको फेल नहीं कर सकते।
आपने सुना होगा ना ये कि 8th क्लास तक आप बच्चों को फेल नहीं कर सकते, आपको प्रमोट करना है ग्रेडिंग करके। तो ये वही रूल, इसी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर ही ये चीज़ है कि हम नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक, वी कैन नॉट लेट अ चाइल्ड बी फेल्ड इन एनी क्लास एंड एक्सपेल नहीं कर सकते उसको स्कूल से, चाहे उसने कुछ भी किया हो, आप उसको पढ़ाओगे, आपका काम है उसको पढ़ाना किसी भी तरह। नेक्स्ट पॉइंट इज कैन गेट एडमिशन एज पर एज। तो एनी चाइल्ड कैन गेट एडमिशन एज पर एज। एज पर एज का इसमें क्या मतलब है कि जैसे अगर कोई बच्चा जिसने प्राइमरी जो किंडरगार्टन है नर्सरी क्लासेस नहीं की है मान लीजिए, और वो अभी तक स्कूल ही नहीं गया और वो हो गया 8 ईयर्स का, तो 8 ईयर्स में वो कौन सी क्लास में होना चाहिए? 8 ईयर के बच्चे कौन सी क्लास में होते हैं? फर्स्ट, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, जो भी 8 ईयर के बच्चे वैसे सेकंड क्लास में होते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्लास में जो बच्चा है उसकी एज 8 ईयर है, इसीलिए अगर वो बच्चे की एज 8 ईयर है तो उसको डायरेक्ट 8th क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, उसको पहली क्लासेस रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। मतलब रिपीट क्या मतलब, ये नहीं कि उसको नर्सरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी क्लास में, वो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर, और वो एक सेकेंड, हाँ एनी चाइल्ड कैन गेट एडमिशन एज पर हर एज, एज पर एज। तो किसी भी चाइल्ड को अगर पहले की एजुकेशन नहीं भी हुई है और वो इस एज में है कि वो स्कूल में 1st क्लास में एडमिशन ले सकता है, तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। ये वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में अप्लीकेबल है, प्राइवेट स्कूल वाले तो वैसे नहीं देते एडमिशन ऐसे, तो गवर्नमेंट स्कूल ये चीज़ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ बर्थ डेट। इसमें क्या है, आपको एज, अगर आप सोच रहे हैं कि आप 2nd क्लास में एडमिशन दिला दें, पर ऐसा तभी हो सकता है जब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपके पास एज का प्रूफ होना चाहिए तभी आपको एडमिशन मिल सकता है, ये कंडीशन है इसकी। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, कई बार बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता और हम बोलने लग जाते हैं कि अरे हमारा बच्चा तो 5 साल का हो गया, इसको स्कूल में एडमिशन दे दो, तो और आप कहते हो कि नहीं नर्सरी में नहीं, हमें तो सीधा 1st क्लास में दिलवाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको बर्थ सर्टिफिकेट जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज
गेट सर्टिफिकेट फॉर कम्प्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जब भी आप कोई एलिमेंट्री एजुकेशन कम्प्लीट कर रहे हैं तो पहले तो क्या होता था, मार्कशीट मिलती थी ना, अब आपको मार्कशीट नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि रिपोर्ट कार्ड में आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं, अब आपको मार्क्स नहीं दिखते। आपने देखा होगा छोटे प्राइमरी स्कूल्स में आजकल क्या होता है, ग्रेडिंग होती है, मार्क्स नहीं दिए जाएंगे आपको आपके एग्जाम्स के लिए। तो देयर शुड बी अ सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसमें ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है तो वो सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। आप उस इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट लें जो अफिलिएटेड है किसी ना किसी बोर्ड के साथ या फिर गवर्नमेंट के साथ, तो उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो सर्टिफिकेट एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर स्टूडेंट रेशियो। अब ये चीज इरेज कर दूं मैं इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि टीचर स्टूडेंट रेशियो। हमारे पास बहुत सारे बच्चे क्लास में होते हैं, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जितने भी एडमिशन आ रहे हैं आने दो, एक टीचर खड़ी हुई है और बच्चों को पढ़ा रही है, तो उसमें क्या होता था, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल सकती थी। लेकिन आज गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, टीचर और स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए कि 10 स्टूडेंट पे एक टीचर है या फिर 20 स्टूडेंट पे एक टीचर है। ये वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, अलग अलग स्कूल में इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं इस रेशियो में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम अगर 40 बच्चे हैं हमारी क्लास में और हम एक ही टीचर से उसको पढ़वाए जा रहे हैं तो हम वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। प्लस इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, एक ही क्लास में दो तो मेन टीचर होती हैं और एक क्या होता है, एक असिस्टेंट टीचर भी होती है साथ में, है ना, आपको फैसिलिटेट करने के लिए। प्लस हर क्लास में आपको मेड भी मिलती है, हर क्लास की अपनी अलग मेड होती है कि अगर छोटे बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेड को हैंडओवर कर सकते हैं बच्चे को। सेवेंथ पॉइंट है इसका, 25% रिजर्वेशन फॉर EWS। EWS क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है या 1 लाख के अंदर है, उन लोगों को गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की बात करती है। गवर्नमेंट स्कूल में तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इज अवेलेबल इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन शुड बी ऑफ क्वालिटेटिव नेचर, यानी कि आप जो भी एजुकेशन बच्चों को इम्पार्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, वो क्या ऐसी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव। उसमें आपको आपको होता है ना कि बेसिक चीज़ें बच्चे को हम तैयार करके भेजेंगे मिडिल स्कूल के लिए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल डिग्री फॉर टीचर्स इज मस्ट, यानी कि हम डिग्री वाले ही टीचर ही रखेंगे, ऐसे ही टीचर अपॉइंट करेंगे जिनके पास डिग्री हो, जो सर्टिफाइड हो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स बनने के लिए, एलिमेंट्री स्कूल के लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसी का यही कारण है कि आज सब लोग कोर्स करते हैं, आपको JBT करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि आपको डिग्री चाहिए। अदरवाइज बेसिक इंस्टिंक्ट तो सब में होती है, बेसिक नॉलेज सब में होती है, हम सोचते हैं कि अरे
हम तो आराम से पढ़ा लेंगे बच्चों को, लेकिन क्या करती है एलिमेंट्री टीचिंग ट्रेनिंग आपको क्या किस स्लाइड बना देती है? आप बच्चों की रिक्वायरमेंट्स को समझने लग जाते हैं, आप बच्चों की सिचुएशन को समझने लग जाते हैं, उनके मेंटल कैपेसिटी को समझने लग जाते हैं और बेटर टीचर बनकर सामने आते हैं। ठीक है, हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल। स्कूल बिल्डिंग शुड बी ऑल्सो फैसिलिटेटिव, यानी कि स्कूल की बिल्डिंग जो है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि छोटे बच्चे उसमें पढ़ने लायक रहे, यानी कि आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, स्कूल ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे आसपास क्या होना चाहिए, छोटे बच्चों को डाइवर्ट करने वाली कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या फिर बहुत शोर वाला एरिया नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसी बीच मेन ट्रैफिक एरिया के बीच में नहीं होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को आने जाने में अनकम्फर्ट फील हो, जहाँ पे बच्चे आ ना सके, या फिर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं वहाँ पर नहीं होना चाहिए, या फिर रेजिडेंशियल एरियाज में होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरियाज में नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल बर्डन विल बी शेयर्ड। Between state and central government. तो इतनी सारी चीज़ें जब हम अप्लाई करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम में या एलिमेंट्री स्कूल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए हमें, टीचर्स भी एजुकेटेड चाहिए, उनकी सैलरी भी देनी है, एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है, बुक्स भी अवेलेबल करानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाना है, मिड डे मील भी कर देना है, तो ऐसी सिचुएशन में जो फाइनेंशियल बर्डन होगा वो कौन झेलेगा? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पैसे की चिंता आपको नहीं करनी है, पैसे की चिंता स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है। तो ये पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, अपनी नॉलेज को आप जितना स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं, आप इसके सब आर्टिकल्स भी होते हैं इसमें वो भी मेंशन कर सकते हैं, जितना आप ज़्यादा अच्छे से लिखोगे उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमने बात की थी नवोदय विद्यालय के, जब हमने रिकमेंडेशन पढ़ी थी, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है पेज नंबर 217 पर है इंग्लिश बुक में, और हिंदी बुक में ये नहीं है, मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको मिले तो आप बता देना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये मैंने उस दिन वर्बली समझाया था कि क्या होता है ये, बेसिकली स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराने के लिए। ऑपरेशन का मतलब है, ऑपरेशन कब कराते हैं? इमरजेंसी के लिए, अर्जेंसी के लिए, है ना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसको नाम दिया गया कि ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इस टॉपिक की, इस मुद्दे की अर्जेंसी समझाने के लिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अब ब्लैक बोर्ड में सिर्फ ब्लैक बोर्ड ही अरेंज नहीं कराना हमें, क्लास एनवायरनमेंट हर तरीके से एक्सेसिबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए बच्चों के लिए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल की बिल्डिंग की लोकेशन और फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करिए, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। ये सब आप जब आप इसको पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं मार्क करवा रही हूँ, उसको मार्क कर सकते हैं आप। शॉर्ट क्वेश्चन में ये बहुत कॉमन है कि कभी भी आ सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 219 पर। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, जब हमने वो पढ़ लिया ना, उसके बाद कुछ बचा बीच में? यही सब उन्होंने बहुत सारा दिया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो छोड़ दिया हमने। शॉर्ट क्वेश्चन में राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वही एक रह गया था कवर करना, तो वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक पेज नंबर 219 पर, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स की बात जब हम करें, तो हमने अभी तक बहुत सारी पॉलिसीज की, बहुत सारे पॉलिटिशियंस की बात कर चुके हैं ना हम ऑलरेडी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये सब क्या है, ये सब पॉलिटिक्स ही है ना, जो हमारे लिए फैसिलिटेशन पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रही हैं और हमें एजुकेशन के डिपार्टमेंट में हेल्प कर रहे हैं ताकि एजुकेशन पहले से बेटर हो सके। तो जितना भी हमने पढ़ा है, उन सब से आपको जो भी चीज़ें समझ में आई हैं, आप इसमें वो लिख सकते हैं। ये ऐसे की तरह होगा, हो सकता है तो आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज इसमें डाल दीजिए, और पॉलिटिक्स कैसे इन्फ्लुएंस करती है एजुकेशन को, ये भी आप इजीली लिख सकते हैं। तो डिस्कस करने की मुझे नहीं लगता इसमें ज़रूरत है।
नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पेज नंबर 223 पर, जो कि है रोल ऑफ एजुकेशन इन रिप्रोड्यूसिंग डोमिनेंस एंड चैलेंजिंग मार्जिनलाइजेशन विद रेफरेंस टू कास्ट, क्लास, जेंडर एंड रिलीजन। अब इसमें क्या जनरल आइडिया निकल रहा है हमारा, मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन होता है लिमिटेशंस लगाना, सीमाएं बांधना, है ना। जब हम क्या करते हैं, सीमाकृत कर देते हैं किन चीजों को, लोगों को, सोसाइटी को, उनके राइट्स को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हम हर तरीके से मार्जिनलाइज कर रहे हैं। अब मार्जिनलाइज करने का क्या मतलब होता है कि हमने एक सीमा में लोगों को बांध दिया, सोसाइटी में हमने बता दिया कि ये लोग माइनॉरिटी है, है ना। और माइनॉरिटी बनाने के बाद में हमने क्या बोला कि माइनॉरिटी के लिमिटेड राइट्स है, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बाकी सारे जो सिटीजन है, कॉमन सिटीजन, उनके तो राइट्स भी बहुत सारे हैं, या फिर कह लीजिए कि राइट्स बाकी सबके जैसे ही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं। ऐसी सिचुएशन में माइनॉरिटीज में और कॉमन पीपल में क्या डिफरेंस आ जाता है कि माइनॉरिटीज को बहुत सारी फैसिलिटेशंस मिल जाती है, प्रिविलेजेस मिल जाती है। क्यों, क्या उनको मिलनी चाहिए प्रिविलेजेस? मिलनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत से जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो माइनॉरिटीज को ये ध्यान में रख के प्रिविलेजेस दी गई थी, क्योंकि वो संख्या में कम है और उनके राइट्स जो हैं वो कम है, उनके पास फैसिलिटीज कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है। तो वो हमारी कंट्री, क्योंकि एक मिक्स कल्चर की कंट्री है, हम उनको अनदेखा नहीं कर सकते, हम उनको सप्रेस नहीं कर सकते। और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, कॉमन पीपल में एक्सप्लॉयटेशन जैसी धारणाएं या फिर ये प्रैक्टिसेस ना हो, उनको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिविलेजेस दी गई थी उनको, ठीक है, प्रोविजंस किए गए थे उनके लिए। तो अब पहली बात तो सबसे पहले आता है कि माइनॉरिटी को हमने डिस्क्राइब कैसे किया, क्या होती है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को हिंदी में हम कहते हैं अल्पसंख्यक, यानी कि जो संख्या में कम है, है ना। अल्प मतलब कम और संख्यक मतलब संख्या में, तो संख्या में कम लोग जो है वो सब माइनॉरिटी है। अब ये संख्या में कम लोग किस बेसिस पर हम कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग बेसिक है। तो पेज नंबर 223 पे इसमें दिया हुआ है, देखिए पांच तरीके होते हैं हम किसी भी कास्ट को, किसी भी लोग को, ग्रुप ऑफ पीपल को माइनॉरिटी जब डिफाइन करते हैं माइनॉरिटी की तरीके से। पहला है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, एससी और एसटी के नाम से हम उनको जानते हैं। तो अब माइनॉरिटीज जो है, वर्गीकरण का आधार, हाँ, बेसिक ऑफ बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन। सबसे पहले कास्ट, कास्ट में आता है एससी एंड एसटी। शेड्यूल क्लास कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कौन से होते हैं? शेड्यूल कास्ट होती है वो कास्ट जो संख्या में बाकी लोगों से कम है, या फिर जो जनजातियां होती हैं हमारी। एसटीज होती हैं शेड्यूल ट्राइब्स, जो आदिवासी लोग, जिनके अंदर हम कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि आदिवासी क्या होते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हीं से वो अपना घर चलाते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप अगर कोई डेवलप होना चाहता है तो वहीं से जंगल से कोई चीज़ें चुन चुन कर या तोड़ तोड़ कर, लकड़ियाँ काट काट कर शहर में ला के बेचते हैं, फिर वहाँ पर जाके अपना फैमिली का पेट पालते हैं। तो बेसिकली इनके पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, इसलिए हम इनको शेड्यूल क्लास कास्ट की सॉरी माइनॉरिटी की श्रेणी में डालते हैं। नेक्स्ट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी के नाम से जानते हैं। ओबीसी कौन होते हैं? एससी और एसटी के अलावा कुछ और भी छोटे छोटे ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जो संख्या में कम है, जिनके पास रिसोर्सेस कम है, उनको हम अदर बैकवर्ड क्लासेस में डालते हैं। नेक्स्ट इज माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज क्या होते हैं इसमें? इसमें हम डालते हैं उन लोगों को जो धर्म के बेसिस पर,
यानी कि रिलीजियसली लेस इन नंबर, धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक है, ठीक है। जैसे कि हिंदू, हिंदुइज्म क्योंकि बहुत बड़ा धर्म है हमारे कंट्री का और उसी के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे, तो बाकी जो भी हैं मुस्लिम्स हो गया या फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये जो इन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनको हम माइनॉरिटी की कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हैंडीकैप। हैंडीकैप्ड लोग, इनको हम कहते हैं विकलांग बोलते थे पहले, लेकिन अब हम इनको क्या बोलते हैं, दिव्यांग, ठीक है। तो जो दिव्यांग लोग होते हैं, क्यों हम इनको माइनॉरिटी की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि ये लोग तो नॉर्मल नहीं होते, इनके यहाँ कुछ फिजिकल ट्रेट्स इनके डिफरेंट होते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में, नॉर्मल पीपल के कंपैरिजन में, लेकिन ये दिमाग इनका नॉर्मल होता है, दिमाग से ये हर चीज़ समझ लेते हैं, हर चीज़ ये परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, अभी तक क्या होता आया था इनके साथ, दुर्व्यवहार होता था, इनको कॉमन स्कूल्स में एडमिशन्स नहीं मिलते थे और इनके लिए एक स्पेसिफिक अलग से स्कूल्स बनाए जाने लग गए थे, जिसमें क्या होता है इनके साथ जब अलग से व्यवहार होगा तो ऑब्वियसली वो इंसान अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब हम इनको माइनॉरिटी की कैटेगरी में डालते हैं और इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस करते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी। इकोनॉमिकल बैकवर्ड कम्युनिटी वही हो गई जो लोग पावर्टी लाइन से नीचे आते हैं, बिलो द पावर्टी लाइन पीपल आर कैटेगराइज्ड एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी। तो हाँ जी, तो इसमें क्या हो गया कि अगर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो ऑब्वियसली बात है हम कोई भी प्रिविलेज लेने के लायक नहीं बचते हैं, हमारे पास एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं होंगे, हमारे पास आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज कम रह जाएंगी, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए भी प्रोविजंस किए गए हैं जिससे ये लोग फैसिलिटेट हो सके और बाकी सबके जैसे इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो अब जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की या फिर हम प्रोविजंस की बात करते हैं, जो स्पेशल प्रोविजंस इनको दिए गए हैं, नहीं पहले इनका रोल करते हैं कि ये रोल क्या प्ले करते हैं, ये हमने इनको कैटेगराइज तो कर दिया लेकिन सोसाइटी में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्या इनका रोल है सोसाइटी को आगे बढ़ाने में कि पीछे करने में, कि ये स्टेबल रहते हैं, क्या करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है इसमें प्रमोटिंग कैपेसिटी टू वेलकम एंड एक्सेप्ट सोशल चेंज। अब जब भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर इस तरीके के कोई भी लोग हमारे पास है तो उन लोगों में एफिशिएंसी तो नॉर्मल लोगों जैसी है ना, कोई अलग से तो नहीं है ये लोग के इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा एफिशिएंसी है या फिर कम एफिशिएंसी है, आईक्यू लेवल इनका सेम होता है जैसे इंसानों में होता है, नॉर्मल इंसान ह्यूमन ट्रेट्स है इनके अंदर, लेकिन तो अगर हम इनको एक्स्ट्रा प्रोविजंस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दे रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं ये, बस इनके पास रिसोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से ये लोग पिछड़ जाते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। अगर हम इनको कुछ प्रोविजन दे दें, कुछ इनके लिए आयोजन कर दें, कुछ इनको सुविधाएं प्रोवाइड करा दें, तो उससे क्या होगा, ये हमारे सोशल चेंज लाने में मदद करेंगे जो हम करना चाहते हैं शुरुआत से अब तक, हम सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, पुराने ज़माने से आज तक हम मॉडर्न हो चुके हैं तो क्या किया है हमने, चेंज ही लाए हैं सोसाइटी में, तो इस चेंज को लाने में ये हमें हेल्प करते हैं और क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एजुकेशन ब्रिंग्स फिनोमिनल चेंजेस इन दी सोसाइटी। अब सोचिए कुछ पिछड़े लोग हैं, आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, उन लोगों को नई ज़माने की चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, नए रिसोर्सेज के बारे में पता ही नहीं है, और अगर हम उनके बीच में प्रोविजंस क्रिएट करें, हम उनको प्रिविलेजेस दें, रिजर्वेशंस दें, या उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू कर दें, माइग्रेट होने में हेल्प करें, रहने के लिए जगह दें, हॉस्टल्स दें ताकि वो लोग आकर यहाँ पर शहरों में रहें और पढ़ें, तो उससे क्या होगा, एजुकेशन क्या करती है, माइंडसेट डेवलप करती है, तो क्या करेंगे वो, पढ़ लिख कर क्या कर सकते हैं, सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं और बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं इकोनॉमी बढ़ाने में भी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी, और कंट्री को फैसिलिटेट करने में, सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं वो।
phenomenal changes ला सकते हैं basically. Next is education helped to remove the poverty of these sections. Education ने क्या किया ऐसे section में जब हम education को डालते हैं, अब जैसे कुछ मान लीजिए इकोनॉमिकल बैकवर्ड कम्युनिटी है, कोई झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो उनका क्या रहन सहन होता है, किस तरीके का रहन सहन होता है उनका, बहुत पुअर लाइफ कंडीशंस होती हैं, हाइजीन नहीं होता बिल्कुल भी, क्लीनलीनेस नहीं होती है, बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती हैं, फंडामेंटल जो नीड्स होती हैं वो उनके पास नहीं होती हैं. जब वो एजुकेटेड होने लग जाएंगे, जब उनमें आ जाएगी थोड़ी सी शिक्षा उनको मिलेगी, तब वो क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, वो अर्न कर सकते हैं, अर्न अ लाइवलीहुड, और क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के एरिया को क्लीन बना सकते हैं. आपको इंटेलेक्ट आता है ना आपको, कि आपको क्लीनलीनेस में रहना है, आपको हाइजीनिक बनना चाहिए, जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो आपको ये सारी ट्रेट्स होते हैं ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं आपके अंदर. तो जब ये ट्रेट्स डेवलप होंगे इन लोगों के अंदर, तो इस सोसाइटी को चेंज करेंगे और क्या कर पाएंगे, पावर्टी को दूर करने में हेल्पफुल रहेंगे. नेक्स्ट इज एजुकेशन हेल्प्ड टू रिमूव द पावर्टी ऑफ दीस. ये तो हो गया ना, डबल दोबारा से दिया हुआ पॉइंट. नेक्स्ट इज क्रिएट द प्रोफेशनल एफिशिएंसी, यानी कि कैसे दूर होगी पावर्टी, प्रोफेशनल एफिशिएंसी जब गेन करेंगे तभी तो फिर पावर्टी दूर कर पाएंगे. काम कैसे करेंगे, जॉब कैसे करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाकर. तो जब अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा लेंगे तो क्या करेंगे, अर्न कर लेंगे भाई बहुत सारे पैसे. कुछ तो बोल लो, क्या हो गया आज, बड़ी सोती सोती सी क्लास है आज हमारी, बोरिंग, इतना भी बोरिंग नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ होते हैं टॉपिक बोरिंग, इतना भी नहीं है, पर ये ठीक है. हाँ जी, तो क्या कर रहे हैं हम, अब आपने देखा होगा ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि जैसे जो लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, आजकल वो लोग कितने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, कितने ज़्यादा वो लोग प्रोफेशनल स्किल्स उन्होंने गेन कर लिया है. आप कहीं भी चले जाइए, ऐसे एरिया के लोग आपको एफिशिएंटली काम करते हुए मिल जाएंगे. आप सैलून्स में चले जाइए, पार्लर में चले जाइए, डांस फील्ड में चले जाइए आप, सब लोग, क्योंकि उनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी टाइम पे तो मिली नहीं थी, पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो अपने टैलेंट को पॉलिश कर रहे हैं. वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, और क्या कर पा रहे हैं, उससे अर्न कर पा रहे हैं, सोसाइटी में अपनी जगह बना पा रहे हैं, और पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ कर आ रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज अवेकनिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी. अवेकनिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि समाज में अपनी जगह बना पा रहे हैं, तो एज एन इंडिविजुअल हम क्या करते हैं, अपना एग्जिस्टेंस परफॉर्म करते हैं ना सबके सामने. अगर हम आज पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएं या टीचर बन जाएं, तो सब लोग हमें जानने लग जाते हैं हमारे प्रोफेशन की वजह से, हमारे काम की वजह से. तो उससे क्या होता है, सोसाइटी में हमारी इंडिविजुअलिटी एग्जिस्ट करने लग जाती है, इस्टेब्लिश हो जाती है. तो वही ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस वाले, माइनॉरिटी वाले, या फिर इन सेक्शंस वाले जो भी हमने अभी माइनॉरिटीज की तरह कैटेगराइज किया जिनको, वो लोग भी कर पाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज बाकी इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इसमें आपको प्रॉपरली आर्टिकल्स वगैरह दिए हुए हैं, एग्जैक्ट सेइंग लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल में. ये बहुत डीप नॉलेज है, अगर आप इसको करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज आपके सिलेबस में इतना नहीं है. हिंदी बुक में आप देखेंगे तो बस एक पेज का ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का दिया हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं है ये सब. तो ये आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बीएड में इम्पोर्टेंट होता है इतना बड़े लेवल पे, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पेज नंबर 227 पर, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन. वुमेन एजुकेशन एज यूजुअल पुराना टॉपिक है, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. इसमें कोठारी कमीशन की भी रिकमेंडेशन दी हुई है कि वुमेन एजुकेशन को लेके कोठारी कमीशन में क्या क्या रिकमेंडेशन थी, तो ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये एज इट इज ये क्वेश्चन आ सकता है. देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसका एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड प्राइमरी एज. हम क्या करेंगे, प्राथमिक स्तर से ही लड़कियों की एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे, देंगे लोगों को उपलब्ध कराएंगे. नेक्स्ट इज एजुकेशन एट गर्ल एट सेकेंडरी स्टेज. हर स्टेज पे एजुकेशन की जरूरत है,
ऐसा नहीं होता कि प्राइमरी लेवल पे हमने एजुकेशन प्रोवाइड करा दी लेकिन बाद में हम वो करा नहीं पा रहे हैं। सेकेंडरी स्टेज पे भी उसको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज कंडेंस्ड कोर्सेज। कंडेंस्ड कोर्सेज कौन से होते हैं? कंडेंस्ड मिल्क सुना ना आपने, क्या होता है कंडेंस्ड मिल्क? बहुत गाढ़ा होता है ना, जो जो स्वीट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम, वो कंडेंस्ड मिल्क होता है। कंसिस्टेंसी उसकी बहुत थिक होती है। तो कंडेंस्ड कोर्सेज का मतलब है ऐसे कोर्सेज जो थिकली बेनिफिट करें, थिकली बेनिफिशियल रहें गर्ल्स के लिए। थिकली बेनिफिशियल का क्या मतलब है? बहुत मोटे तौर पे, बहुत अच्छे डीपली हमें फैसिलिटेट करें वुमेन्स को, क्योंकि अब वुमेन की जो एजुकेशन है वो शुरुआत से बहुत वीक थी, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रीइंफोर्समेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हम ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकें पढ़ाने के लिए। तो ऐसे कोर्सेज जो लॉन्ग टाइम बेनिफिट दें, ज़्यादा बेनिफिट दें कंपैरेटिवली बाकी कोर्सेज के, वो हमें इंट्रोड्यूस कराने हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं? इम्प्रूवमेंट कराते होंगे, है ना, नाम से समझ में आ रहा है, लेकिन उनकी क्या ज़रूरत है गर्ल्स को? गर्ल्स को ये ज़रूरत है कि जैसे कि बेसिकली कोई हाउसवाइफ है, किसी लड़की की जल्दी कम उम्र में शादी हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई भी उसकी कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन उसकी फैमिली भी ऐसी है कि वो फैमिली में ही रह सकती है, वो जॉब नहीं कर सकती, वो आगे पढ़ नहीं सकती। तो कुछ ऐसे कोर्सेज उसके लिए इन्वॉल्व कराना, इंट्रोड्यूस कराना, जिससे कि वो अपने रोज़मर्रा के कामों को और बेहतर तरीके से कर सके। जैसे कि हम शुरुआत से करते हैं ना, सिलाई कढ़ाई बुनाई हम सिखा देते हैं, जिससे कि इजीली बेहतर तरीके से जो नॉर्मल काम होते हैं हम कर सकते हैं, मैनेज करना, बजट बनाना घर के लिए, या फिर बच्चों को पढ़ाने का तरीका, वो सब हम उसमें इम्प्रूव करा सकते हैं उनको। फिर कई लोग जो छोटे छोटे काम करती हैं, कई बार अचार पापड़ बेचते हैं कुछ लोग घर में बनाकर, कपड़े सिलती हैं कुछ लेडीज, तो उनके काम में और इम्प्रूवमेंट ला सके उनको। तो कैसे करेंगे वो? हम अचार पापड़ बनाते हैं अगर कोई, तो हम उनको प्रेजर्वेटिव्स के बारे में नॉलेज दे सकते हैं कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें प्रेजर्वेटिव्स अगर आप डालेंगे तो आपका सामान लंबे समय तक चल सकता है, या आप लंबे टाइम तक उस चीज़ को बेच सकते हो। वैसे ही कपड़े अगर हम बना रहे हैं, टेलरिंग कर रहे हैं हम, तो क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? आप अपनी स्किल्स को और डेवलप कर सकते हैं, आप मशीन्स अच्छी वाली ले सकते हैं, आप डिज़ाइन अच्छे वाले बना सकते हैं। तो उसकी नॉलेज देने के लिए कोर्सेज हम प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि इंसान गर्ल्स बेसिकली अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डिस्टेंस क्लासेस। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डिस्टेंट क्लासेस यानी कि दूर दराज तक की जो क्लासेस होती हैं, डिस्टेंट स्कूल जो होते हैं, उनको मेंटेन कर सकें, अवेलेबल करा सकें आप लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट इज टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। सिंपल पॉइंट है, मुझे भी पढ़ाते हुए बोरिंग लगने लगे। अब एक आप लोगों की शक्लें ऐसी देख देख के ना मैं भी बोर हो गई, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में। अच्छा आप बताओगे फिर, चलो मैं नहीं बताऊँगी, अब आप बताओगे क्या करते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट, क्या करेंगे भाई बताओ? नॉलेज तो सभी दे रहे हैं, कैसी नॉलेज? एग्जांपल दो ना जल्दी से कोई। फोन रिपेयरिंग गर्ल्स थोड़ा ना करती हैं, बॉयज ही करते हैं ज्यादातर। गर्ल्स के लिए जो बेनिफिशियल हो, ऐसी कौन सी टेक्निकल नॉलेज होती है? हाँ कुछ तो बता दो, कोई तो बता दो, फोन में से देख के बता दो। आप फोन चला रहे हो बेटा, फोन में से देख के बता दो, शायद कुछ आ जाए। देखिए आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों तो क्या होता है उसमें, बहुत सारी गर्ल्स ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, जैसे कि पेंटिंग्स, उनके जो पैटर्न्स हैं वो उसको सेल कर रही हैं, कॉपीराइट दे रही हैं उसका, वो बेडशीट्स पर और उन पे प्रिंट्स आ रहे हैं उनके छपकर, या फिर फैब्रिक में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये सब लोग काम कर रहे हैं, गर्ल्स काम कर रही है। प्लस शार्क टैंक जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कितनी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें गर्ल्स काम कर रही हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो किसको काम दे रहे हैं? विमेंस को, अपने विमेन को काम दे रहे हैं, अपने जॉब पे रख रहे हैं। तो वो क्या करते हैं? टेक्निकल नॉलेज ही होती है ना उनकी, जिनको वो डेवलप करा सकते हैं, टेक्निकली काम ही करना पड़ता है ना उनको। कंप्यूटर की नॉलेज टेक्निकल नॉलेज में बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर है ना, हर जगह छोटी छोटी कंपनीज में, छोटे छोटे स्टार्टअप जहाँ पे खुले हैं, कोई कैफे खुला है वहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके लिए कोई जॉब मिल सकती है इजीली,
तो टेक्निकल जॉब ही हो गई ना कंप्यूटर पे, अगर आपको बिल्स बनाने पड़ रहे हैं या आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, पेमेंट लेनी पड़ रही है, ये सब क्या है, टेक्निकल काम है। डॉक्टर्स के आप देख लीजिए, रिसेप्शनिस्ट जो होती है, सब कुछ काम करती है, वो टेक्निकल ही काम होता है ना सारा, या फिर इंजेक्शन लगाना, कंपाउंडर्स जो होते हैं, जो गर्ल नर्सेज होती हैं, वो क्या करिए, टेक्निकल काम ही है ना उनका, हर कोई नहीं कर सकता ना, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें टेक्नोलॉजिकली जो आप सीख सकते हो। नर्सेज का कोर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ था अभी पीछे ना, बहुत लोग करने लग गए थे, बहुत डिमांड हुई थी उसकी। तो अब आता है नेक्स्ट, पब्लिक कोऑपरेशन। पब्लिक कोऑपरेशन क्या होता है, इतना भी कुछ मुश्किल सवाल नहीं है। अरे पब्लिक कोऑपरेट कर रही है वो, पब्लिक कोऑपरेशन, पब्लिक कौन, जनता, आम जनता, किसको कोऑपरेट करना है उनको, फीमेल एजुकेशन को। तो वो कैसे करेंगे बताओ जल्दी से, कैसे करेंगे, देखिए अपने अपने लेवल पे सब कुछ अगर अपना अपना पार्ट प्ले करे तो एक सक्सेस मिल जाती है ना। मान लीजिए पेरेंट्स अगर पब्लिक हैं तो पेरेंट्स अपनी गर्ल्स को भेज सकते हैं, अपनी डॉटर्स को पढ़ाई लिखाई के लिए अवेल करा सकते हैं अपॉर्चुनिटी। दूसरा, अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं तो आप ऐसे कोर्सेज इन्वॉल्व करा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो गर्ल्स को फैसिलिटेट करे, है ना। कई बार और क्या होता है, जैसे कि आप उस पर देखेंगे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पे बहुत सारे रीसेलर्स आजकल बन जाते हैं, है ना। तो वो किस लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि लेडीज जो घर पे बैठी हुई पूरा दिन बोर होती हैं घर के काम खत्म करने के बाद, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या करें, करियर बना सके, बिजनेस, अपनी स्किल को, अपने दिमाग में जो वो चलाती है ना सब कुछ उंगलियों पे नचाती है पूरी फैमिली को, वो फिर दुनिया को भी चलाने लग जाए ऑनलाइन शॉपिंग पे, सिर्फ शॉपिंग करने के लिए नहीं, ऑनलाइन सामान बेचने के लिए भी वो बिजनेस कर सके, ट्रेड कर सके और बिजनेस वुमन बन जाए। तो ये सब क्या होता है, पब्लिक कोऑपरेशन है ना, ये हर कोई कोऑपरेट कर रहा है, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, लेकिन फैसिलिटेट कौन हो रहा है, पूरी जनता फैसिलिटेट हो रही है। इतना क्या हंसी की बात है, ऐसी ऐसी बातें बोलनी पड़ती है मुझे आप लोगों को हंसाने के लिए, देख लो आप मुझे हंसाने के लिए नहीं बोल सकते हो दो तीन पॉइंट जल्दी जल्दी। नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप क्या होती है, ये तो पता होगा, छात्रवृत्ति बोलते हैं हम उसको हिंदी में, ऐसे छात्रों को जो मेधावी होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके पास पर रिसोर्सेज नहीं है, तो हम उनको क्या करते हैं, उनकी जो ब्रिलियंस है ऑलरेडी जो उनमें है गॉड गिफ्टेड, उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, रीइन्फोर्स कर देते हैं, धक्का मार देते हैं थोड़ा, चलो भाई निकल जाओ आगे किसी तरह, तुम्हें है टैलेंट तो करके दिखा दो, है ना। तो ये स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड कराते हैं, तो गर्ल्स इजीली इसको अवेल कर लेती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज इन बैकवर्ड एरियाज। वही पुराना पॉइंट जिसका पिटा, छोटी छोटी जगहों में जाके इंस्टीट्यूट खोल दो, आंगनवाड़ियां खोल दो, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो ताकि पढ़ ले। तो ये पॉइंट टॉपिक भी सिंपल था, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। टीचर एंड सोसाइटी, यही आएगा ना नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 237। हाँ जी यही आएगा, टीचर एंड सोसाइटी। अब टीचर के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं, है ना, टीचर ट्रेनिंग सेंटर भी हमने खोल लिए हैं, हम टीचर को जानकारी भी प्रोवाइड करा चुके, अपडेट भी कर दिए अपनी टीचर्स को, टीचिंग मेथड भी बता दिए, सब्जेक्ट करिकुलम सब कुछ बता दिया। सोसाइटी के साथ कैसे लिंक करें ये बताओ, सोसाइटी का क्या रोल है टीचर लाइफ में, या टीचर के करियर में, पूरे जर्नी में क्या रोल है सोसाइटी का, क्या रोल है टीचर्स का, वो सॉरी सोसाइटी का। अरे भाई देखो, सोसाइटी तो है ना जो टीचर्स को रिस्पेक्ट दे सकती है, जो टीचर्स को इम्पोर्टेंस दे सकती है, तो सोसाइटी का ये रोल होता है कि हम टीचर्स को रेस्पेक्ट करें, उनको रेम्यूनरेशन उनके हिसाब से मिल जाए, प्लस अपने बच्चों को उनकी रेस्पेक्ट करना सिखाएं। एज अ पेरेंट हमारी क्या ड्यूटी है कि हम टीचर्स को इम्पोर्टेंस दें, हमें पता चले कि भाई हम बच्चों को ये सिखाएं कि टीचर जो बोल रही है उसको मानो, है ना, वो टीचर कोई बेवकूफ नहीं है। हम लोग ऐसे सुनते हैं ना स्कूल, कुछ पेरेंट्स की आदत होती है, अरे बोलने दे मैम को, है ना, होता है ना ऐसे घरों में, मुझे भी पता है ये चीज़, हम भी बोलते थे कभी कभी। तो हम क्या करते हैं, हम टीचर्स को उतना रिगार्ड नहीं देते, हम टीचर्स की बात को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हो और नई जनरेशन को आप
आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। जो काम घर पे पेरेंट्स नहीं करते वो काम टीचर्स कर लेते हैं, तो इसीलिए टीचर्स को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने की ज़रूरत है, प्लस सोसाइटी से लिंक होने की ज़रूरत है। टीचर ही एक ऐसा लिंक होता है जो बच्चों को सोसाइटी से जोड़ के रखता है ना। अगर टीचर बोल देंगे कि ठीक है आप घर पे जाके अपने आस पड़ोस में कुछ एक क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, क्वेश्चनर बता रही हूँ, ये पूछ पूछ कराना, तभी तो बच्चे आस पास में जाके कुछ पूछेंगे। अगर टीचर बता रही है कि आपको आइडियल सिटीजन बनना है या आपको कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, डस्टबिन में डालना है, तभी तो बच्चे सीखते हैं कि अपने आप सीख जाते हैं बच्चे नहीं। तो इसीलिए टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी में। लेकिन इसमें क्या है, टीचर इन सोसाइटी अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टीचर्स स्टेटस, टीचर्स के स्टेटस का क्रिटिकल अप्रेजल है। क्या होता है क्रिटिकल अप्रेजल, कि हम टीचर्स को क्रिटिसाइज करते हैं टाइम टू टाइम, और हम उन्हें क्या नहीं करते, प्रेज नहीं करते, हम उनको उतना जितना क्रेडिट उनको देना चाहिए हम वो नहीं देते, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे टाइप का ही है, आप अपने मन से लिख सकते हो, जितना आपको लिखना है टीचर्स बनने के बारे में वो सब लिखो। रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंजेस, रोल कैसे प्ले करती है टीचर सोशल चेंज में, वो सब आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। आजकल के आज के दिन के ना आज की क्लास के सारे टॉपिक ही ऐसे हैं जिसमें आप खुद ही एफिशिएंट हो चुके हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है मेरी, आप खुद ही लिख सकते हो, है ना। अब इसमें दे रखे हैं कुछ, हेयर आर अ फ्यू आइडियाज पेज नंबर 238 पर, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विद आइडियाज अमंग स्टूडेंट्स। तो टीचर क्या करती है, हमें टीचर का जो रोल है सोशल चेंज के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होंगी ना, ऐसे तो नहीं कि खाली टीचर बन गए तो खाली रेमुनरेशन के लिए बने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभानी पड़ती हैं कुछ अपनी। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरीके से निभाओगे, तो पहला क्या है हमारा पॉइंट, एनकरेज द एक्टिव पार्टिसिपेशन, जैसे मैं कर रही हूँ अभी आपके साथ, बोलो बोलो भाई कुछ तो बोलो, है ना। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए हमें बच्चों का, और वो हम निकलवाएं, हम ऐसी चीज़ प्रमोट करें क्लास में कि बच्चे खुद से बात करें और अपनी फीलिंग्स को अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाएं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है टीच स्टूडेंट्स हाउ टू थिंक इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम व्हाट टू थिंक। तो टीचर का मेन काम क्या होता है, ये नहीं होता कि ये सोचो, क्या होता है उनका काम, सोचना कैसे, आपको बस डायरेक्शन लेनी है, बच्चे खुद ही सोच लेंगे क्योंकि बच्चे को भगवान ने अलग से उसका दिमाग दिया है जो काम करता है। तो इसीलिए आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको ऐसे ही करना है, आप उनको अपॉर्चुनिटीज दो कि आप अब बताओ कैसे करें, उनके सामने सिचुएशन डालिए और उनको बोलिए कि आपको करना है ये, तो कैसे करना है वो आप जानो, मैं फैसिलिटीज देने के लिए हूँ, मैं थोड़ी सी हेल्प करने के लिए हूँ, अगर आप कहीं पर अटकते हो तो मैं पुश करने के लिए हूँ, लेकिन क्या करना है आपको सब कुछ। तो ये थिंकिंग होनी चाहिए टीचर्स की। नेक्स्ट इज प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू एक्सपेक्ट द नीड फॉर चेंज एंड टू बिलीव इन देयर ओन एबिलिटी टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। आप देखिए जब हम टीचर बन चुके हैं, मान लीजिए आपकी अब जॉब लग जाती है, इसको करने के बाद आप टीचर बन गए हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी आपके सामने पढ़ने के लिए, क्या वो वैसे ही होगी जैसे आजकल के बच्चे हैं, नहीं। आपको सोशल चेंज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, है ना। आप ये सोचोगे कि अरे जब मैं मेरी जॉब लगी थी, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, इतने सीधे बच्चे होते थे कि बस क्या पूछो, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता था, बस मैं आई मैंने पढ़ाया और मैं चली गई। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि एवरी टाइम आपको ऐसे ही बच्चे मिलेंगे, तो दैट इज योर फॉल्ट ओनली। आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपको खुद भी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, आप हर चीज़ के लिए, हर सर्कमस्टांसिस के लिए, हर तरीके के बच्चे के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है और वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो चल रहा है। आप अगर उसमें कुछ नहीं भी करोगे तब भी सोसाइटी चेंज होगी, है ना। तो आगे आपको आने वाले बच्चे कैसे मिलेंगे, वो बोलेंगे मैम आप बैठ जाइए मैं बता देता हूँ, है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो उसमें अगर आप बैक स्टेप भी लेना ले सकते हो, मतलब आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप अपने किसी लैकिंग को, अपनी किसी कमी को आप स्वीकार कर सके, उसको अपग्रेड करने के लिए रेडी हो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर। और क्या करें आप, एक जगह पे आप बैक स्टेप लेकर अपने स्टूडेंट को आगे करने के लिए तैयार होने चाहिए। समझ आ गई बात। नेक्स्ट इज मेक क्लासरूम प्रोसेसेस डेमोक्रेटिक टू एस्टैब्लिश द आइडिया। अब डेमोक्रेटिक कैसे बनाए क्लास को, क्लास में वोट थोड़ी ना करानी है मुझे,
क्या कराना है डेमोक्रेटिक आइडिया का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट का मतलब है इक्वालिटी, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल डिस्क्रिप्शन, इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल इंटरेक्शन, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। आपकी नज़र में कोई भी बच्चा कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, बच्चे की नज़र में मैम कम या ज़्यादा हो सकती हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, बट आपकी नज़र में बच्चे कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप हर बच्चे को डेमोक्रेटिकली पढ़ा पाएँ, इक्वली पढ़ा पाएँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। हाँ, ये करना पड़ता है कि जो बच्चा कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो ये चलता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट डिस्कशंस अमंग टीचर्स एज अ ग्रुप स्टार्टिंग विद स्टूडेंट्स टीचर्स और ग्रुप डिस्कशन। मेनली क्या है ग्रुप डिस्कशन? जैसे हम अभी कर रहे हैं जिसमें मैं ही एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ, आप लोग नहीं है, तो उस ऐसा हमें पार्टिसिपेशन रखना है। स्पेशली देखो इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट टीचर्स, आप लोग कौन है? स्टूडेंट टीचर्स हैं कि नहीं? खाली स्टूडेंट्स नहीं है अब आप क्या है? स्टूडेंट टीचर्स, स्टूडेंट्स जो आप बनने जा रहे हैं टीचर, तो ऐसे स्टूडेंट टीचर बताओ मैं कैसे पार्टिसिपेशन निकलवाऊंगा बाप का, कोई तरीका बताओ। मेरी तो सारी टीचिंग रह गई है इंपीरियम, समझ नहीं आ रहा कैसे बुलवाऊं। थोड़ी थोड़ी स्माइल तो निकल गई है पर लेकिन बातें अभी भी नहीं निकल पा रही है। बड़ा जोर से खींचना पड़ेगा, है ना, हिलाना पड़ेगा पूरा, तभी निकलेंगी। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन से क्या होता है कि जब हम डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन में कोई भी टॉपिक ऐसा जिसमें बच्चे डिस्कस कर सकें, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकें, तो वो हमें तरीका अपनाना चाहिए क्लासरूम में, जिससे कि डिस्कशन होगा तो डेवलपमेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लैरिटी होगी, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा यूनिट 3, दूसरी यूनिट तो बड़ी जल्दी ख़त्म कर दी। तो बेसिकली लर्निंग क्या है इसमें, लर्निंग, लर्नर एंड टीचिंग। अभी से बता देती हूँ, ये भी बोरिंग होने वाला है क्योंकि लर्निंग हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, सबको पता है लर्निंग क्या है, एजुकेशन के बाद लर्निंग ही होती है ना, तो सारी बातें आपको सुनी सुनाई लगेंगी, लेकिन इसमें हम एक ट्विस्ट लेकर आएंगे, इसमें आप लोग बताओगे, ठीक है। आप बोलो मैम आप चाहे जो कर लो, हम तो बोलेंगे नहीं, है ना, पर मैं बुलवा के रहूँगी आप लोगों से, तो एक एक पॉइंट सब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में इसका। अभी तो वैसे है 15 मिनट्स, अभी से शुरू कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं लर्निंग स्टार्ट। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अधिगम। क्या होता है अधिगम, जल्दी से बोल दो आप, क्या होता है अधिगम? लर्निंग है ना, आपने अभी लर्निंग बोला ना, लर्निंग अधिगम क्या होता है अब बताओ। देखिए एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा, हम शुरुआत से लेते आ रहे हैं ना, जब हमने स्कूल में एक बार एडमिशन ले लिया उसके बाद से तब से शिक्षा चली आ रही है। लेकिन लर्निंग कब होती है? जब एजुकेशन सक्सेसफुल हो जाती है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो जरूरी होते हैं किसके लिए? लर्निंग के लिए। लर्निंग के लिए हमें फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग, सबसे पहले क्या फैक्टर होता है जो लर्निंग के लिए जरूरी है? पहली बात तो कोई इंफॉर्मेशन गिवर यानी कि टीचर, टीचर होगा ना, चाहिए, लर्निंग कैसे होगी वरना। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की भी जरूरत है भाई, बिना स्टूडेंट के कैसे लर्निंग करेंगे। नंबर 3 क्या चाहिए अब इसके लिए? एनवायरमेंट। क्योंकि मैं अपने घर पे बैठकर आपको तो नहीं पढ़ा सकती, है ना, मुझे चाहिए यहाँ पे आना, एक एनवायरमेंट क्रिएशन है, इंस्टीट्यूशन है, एक मोड है जिससे मैं पढ़ा सकती हूँ, और आपको भी एक मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हो कि अगर हम क्लास में आ रहे हैं तो हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। 4th वही टीचिंग मेथड्स और एड्स। मेथड्स और एड्स को हमने एक ही कैटेगरी में डाल दिया। अब अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम कैसे पढ़ाएंगे? टीचिंग मेथड्स में हमारे पास बुक्स भी आ गई है ना,
बुक्स की बिना कैसे पढ़ोगे, नोटबुक्स के बिना कैसे पढ़ोगे, या बोर्ड के बिना कैसे पढ़ोगे, कैसे नहीं पढ़ पाएंगे ना, थोड़ी सी कमी रह जाएगी। वर्बली भी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। तो जब ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं और इन सब का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, तब ही क्या होता है, लर्निंग हो पाती है। दिस ओनली लीड्स टू लर्निंग, जब अल्टीमेटली हमें कुछ सीखने को मिल गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, लेकिन आप बस बैठे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो क्या होगा, लर्निंग होगी नहीं होगी? एक्टिव पार्टिसिपेशन जहाँ पर होगा वहीं पर लर्निंग पॉसिबल है। अब मैं यहाँ पर आ गई, मैं बोल के चली, मतलब बोल रही हूँ, मैं कुछ समझा नहीं पा रही हूँ, मैं एग्जाम्पल्स नहीं दे रही हूँ, या आपकी आपकी लाइफ से मैं लिंक नहीं कर रही हूँ चीज़ों को, तो आपको क्या, आप सुन तो रहे हो लेकिन आपको कुछ समझ आ पा रहा है? नहीं, लर्निंग नहीं हो पा रही है। तो दैट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम टीचर्स साइड। फिर एनवायरमेंट ही नहीं है, यहाँ पे खिड़कियाँ हैं चारों तरफ, आप बाहर देख रहे हो, फिर क्या होगा, लर्निंग नहीं हो पाएगी, एनवायरमेंट ही पॉजिटिव नहीं है, टीचिंग मेथड्स और एड्स नहीं है हमारे पास, मेथड नहीं है, आके हम गप्पे मार के चले गए, हमने ना डिस्कशन किया, ना हमने लेक्चर दिया, ना हमने बुक रीड की, ना हमने कोई एड यूज किया, टीचिंग एड, तो फिर क्या होगा, लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो जब भी इन चारों चीज़ों का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब हमारी लर्निंग नहीं हो पाएगी, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आर कंपल्सरी फॉर लर्निंग टू बी हैपन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, लर्निंग हमें पता ही है ऑलरेडी, हमने डेफिनेशन स्किनर्स की कर लेना, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किनर की लर्निंग थ्योरी, एग्जाम्पल भी उसमें कर लेना, कोई जैसे उसमें चूहे वाला एग्जाम्पल होता है ना, एक्सपेरिमेंट वगैरह, वो भी कर लेना एक दो, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, पढ़ते हैं चलो। एज अ रिजल्ट स्किनर की है, देखो इन द वर्ड्स पेज नंबर 243 पर, इन द वर्ड्स ऑफ टी ई स्किनर, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन। प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन का मतलब कि इनपुट भी है, मेथड भी है, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा। आउटपुट इज द कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है, वो एक तरीके से आउटपुट ही है। एजुकेशन मिलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एजुकेशन की डिग्री मिल जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपने लर्निंग क्या किया, आपको समझ में आया कि नहीं। आपने 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, फर्स्ट पोजिशन भी ले आए होंगे, डिविजन भी आ गई होगी फर्स्ट, बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपने क्या सीखा था, अब आप भूल चुके होंगे, तो क्या होगा, वो लर्निंग नहीं की है। मतलब आपने आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आज अभी आप 10th की बुक का कुछ पढ़े, एकदम से आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ ये तो मैंने स्कूल में पढ़ा था। अगर आपको याद आ गया है, इसका मतलब आपकी लर्निंग हुई थी। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं आई, मतलब वो लर्निंग नहीं करी थी, वो एक एक्टिविटी थी जब आपने पार्टिसिपेट किया, आपको ठीक रहा, लेकिन वो आपके माइंड में रिटेन नहीं किया उसने, है ना। तो लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, प्लस रिटेन करता है लॉन्ग टाइम के लिए, हमेशा हम उसको कभी भी भूलेंगे नहीं। अब जैसे पहले भी मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया कि अगर हम स्विमिंग सीख लें, आप 5 साल भी स्विमिंग नहीं करोगे ना, पर जब भी आप पानी में कूदोगे, आप हाथ पर अपने आप मारने लग जाओगे, तैरने लग जाओगे, तो ये क्या है, ये लर्निंग है, कि आप उसको कभी भी लाइफ लॉन्ग भूलोगे नहीं। ड्राइविंग क्या होता है, ड्राइविंग सीखना बोलते हैं ना, इसीलिए हम उसको कोर्स नहीं बोलते, हम उसको डिग्री नहीं मिलती हमें उसको सीखने की, क्या मिलता है हमें, हमें लर्निंग मिलती है, हम वो सीख चुके हैं, हम वो परफॉर्म करके दिखा सकते हैं किसी भी टाइम, आधी रात को भी उठा के गाड़ी में बिठा दो तो हम चला लेंगे उसको, भूलेंगे नहीं, अरे अब क्या करना था, इधर से राइट मुड़ना था, राइट कैसे मुड़ते हैं हमें तो पता ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं होता लर्निंग के टाइम, एजुकेशन के टाइम ऐसा हो सकता है। तो एजुकेशन और लर्निंग में यही डिफरेंस है कि लर्निंग हमेशा चलने वाला प्रोसेस है और आप कभी भूलते नहीं हो, वो लॉन्ग टाइम के लिए माइंड में रिटेन करती है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है उसके लिए। एजुकेशन में ऐसा हो सकता है कि आप भूल जाओ और वो चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई ना करो। एजुकेशन कब लर्निंग का रूप लेती है, जब आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर लेते हो, उस नॉलेज को, उस इन्फॉर्मेशन को जो भी आपने सीखी है। ठीक है, अल्फाबेट जब आप सीखते हो तो वो एजुकेशन है, लेकिन अल्फाबेट सीख कर जब आप सेंटेंस बना लेते हो और इंग्लिश में बात करने लग जाते हो, वो लर्निंग है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिकली प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन।
आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, आपका जो माइंडसेट है वो बदल चुका है, वो ब्रॉड हो चुका है, या फिर आपने आज कुछ पानी पीना सीखा कि मैं पानी तो वैसे बॉटल से पीते हैं रोज सब ऊपर से, लेकिन आज मैंने ग्लास से पानी पीना सीख लिया। सॉरी एग्जांपल मैच नहीं हुआ ना, छोटे बच्चों का लेते हैं, जैसे बॉटल से दूध पीते हैं सब लोग, है ना, तो बॉटल से दूध पीते रहते हैं नॉर्मल, लेकिन एक दिन आता है जब बच्चे को ग्लास से दूध पीना आ जाता है, उसको पता चल जाता है अगर मैं ग्लास लेके ऐसे लेट गया तो दूध गिर जाएगा मेरे ऊपर, है ना, उसको समझ में आ जाता है। तो ये होता है लर्निंग, ये उसकी हो गई लर्निंग कि अब वो ग्लास में अगर कभी भी दूध पिएगा तो वो लेटेगा नहीं जिस तरह, है ना। तो इसको हम कहते हैं एजुकेशन और लर्निंग में डिफरेंस। तो हमारा बिहेवियर मोल्ड हो जाता है, इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो लर्निंग बेसिकली क्या है, बिहेवियर में चेंज लाना, व्यवहार में बदलाव जब आ जाता है उसको हम लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, हम उसको पहले से प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके हम बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग इज द कन्फर्मेशन ऑफ न्यू प्रोसेसेस, यानी कि लर्निंग होने के बाद हमें क्या होता है, हम स्विमिंग सीखने की जैसे मैंने बात की थी, आज हमें नॉर्मल स्विम करना आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं ना कि अब क्या करूं, अब डाइव मारना सीखते हैं या फिर आप बटरफ्लाई सीखते हैं, कोई भी उसके जो तरीके होते हैं बहुत अलग अलग, उसमें ऐसे स्टंट्स भी होते हैं, तो ऐसे पानी के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं। तो लर्निंग का क्या मतलब है, लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स मेन क्या है कि हम नेक्स्ट आउटपुट की तरफ, नेक्स्ट इनपुट की तरफ बढ़ जाते हैं, हम नेक्स्ट बिहेवियर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमने अटेन कर लिया, वो चीज़ लर्निंग हो चुकी है हमारे माइंड में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लर्निंग में कुछ पॉइंट है, वर्बली बोल देती हूँ। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लाइक एजुकेशन, हमेशा चलती रहती है लर्निंग, हम कुछ नहीं भी कर रहे तब भी लर्निंग हो रही है, खाली बैठने से भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, अभी बात की है इसके बारे में। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या होती है सार्वभौमिक प्रक्रिया, हर जगह से कुछ सीखना है, प्लस हर एस्पेक्ट हमारी पर्सनैलिटी का डेवलप होता है उससे, हर जगह पे लर्निंग। अगर हमने पेन पकड़ना भी सीखा है तो वो भी लर्निंग है, अगर हमने पेन से लेखक बन गए लिखते लिखते कुछ, वो भी लर्निंग है, है ना। तो इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज लर्निंग इज एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करना सिखा देती है लर्निंग, है ना। आपको स्विमिंग क्लास में जाना है लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आपकी इंग्लिश क्लास है, तो आप कैसे एडजस्ट करते हो, जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हो, स्विमिंग में मजा आ रहा है स्विमिंग पे जाओगे, उसमें नहीं जाओगे, ऐसा नहीं। आप टाइम टेबल बनाना सीख जाते हो, आप मैच अरेंज कर सकते हो, चीज़ों को शिफ्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से कर लोगे वो चीज़। तो ये सब क्या होता है, लर्निंग होता है ये। नेक्स्ट इज लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड, पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड मतलब उद्देश्य निहित होता है आपका लर्निंग के पीछे, आप कुछ करने के लिए एफर्ट करते हो तो वो उसके पीछे एक चीज़ अपने के माइंड में चल रही है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, या मैं ये चीज़ कर लूँगा, या इसको करके मुझे जॉब मिल जाएगी, इसको करके मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, या इसको करने के बाद फिर मैं MBA कर लूँगा, है ना, ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा फिर मैं MBA में एडमिशन ले लूँगा, फिर मैं ऐसे कर लूँगा, फिर मैं वैसे। तो आपका क्या होता है, माइंड कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, गोल्स बनते जा रहे हैं आपके माइंड में कॉन्टीन्यूसली। नेक्स्ट इज लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास होता ही आपको, ऑब्वियसली लर्निंग हुई है तो विकास तो हो गई। लर्निंग इज न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस इकट्ठे होते जाते हैं, लर्निंग होती रहती है। अब कैसे, कोई भी लर्निंग होती है तो आपको याद रहता है ना, एक आप सोचिए कोई मैथ्स का कोई फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर, उसका क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab, है ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं माइंड में याद होगा कि कब पहली बार ये समझ में आया था, है ना। तो वो आपका एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज़ जब आप पहली बार कर लेते हैं और आप करके मतलब अरे वाह खुश हो जाते हैं कि वाह ये मैंने सीख लिया, या कोई भी एक्टिविटी आप ले लीजिए, आपने आज बहुत अच्छी चाय बना दी, सबने तारीफ की है, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी कि अरे आज की चाय जो मैंने बनाई है वो तो बस की बनाई है, बस 10 साल बाद भी मैंने जो चाय बनाई थी वो याद कर लो मैंने कैसी बनाई थी पहली बार, है ना। तो वो क्या होता है, आपके एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं, तो लर्निंग के साथ आपके एक्सपीरियंसेस जुड़े होते हैं और वो आपके माइंड में एक्यूमुलेटेड होते रहते हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट, एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, टीचर स्टूडेंट जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए एनवायरनमेंट जरूरी है, फिर उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है,
तो एक्टिव इट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट. तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना वैसे, तो प्रोडक्ट जब हो जाएगा तब हमारी लर्निंग हो जाती है. नेक्स्ट इज, बहुत सारे पॉइंट है. लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. टीचिंग लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव लेके चले थे भाई, उसका आउटकम तो आ ही जाएगा ना. लर्निंग इज ट्रांसफरेबल. एक चीज सीख ली तो दूसरे को सिखा ही सकते हो ना. लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स. लर्निंग की जरूरत है हमें, रिक्वायर्ड है. क्यों? क्योंकि हमारी खुद की भी जरूरत है कि हमें कोई बुद्धू ना बोले, हमें ये भी आता है, ये भी आता है, हम सबके सामने शो ऑफ कर सके कि हमें तो सब कुछ आता है. और सोसाइटी के लिए कैसे रिक्वायर्ड है, क्योंकि उनको चाहिए ना ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल्स जो परफॉर्म कर सके कोई चीज़ सीख कर. टीचर्स चाहिए तो कि एक्टिवली टीच कर सकें, डॉक्टर्स चाहिए जो एक्टिवली लोगों को ठीक कर सकें, और बहुत सारी चीज़ें, सबको, सोसाइटी को सब कुछ चाहिए. नेक्स्ट इज, लर्निंग हेल्प्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. बहुत पुराना पॉइंट है. लर्निंग इज रिसर्च. ऑब्वियसली रिसर्च होता है तभी लर्निंग होती है ना. 10 लोगों को देख लो पहले, तभी सीखते हो ना ड्राइविंग. अपने दूसरों की गलतियाँ भी समझ में आ जाती हैं कि दूसरा गलत चला रहा था, हमने तो सही चलाई, मैंने तो गलत नहीं मोड़ा भाई, यही सामने से काट के गए, है ना. तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं. नेक्स्ट इज, लर्निंग इज डिटरमाइंड बाई कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस. कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस क्या होता है कि एक चीज़ कॉन्शियस तो वो हो गया कि जब हम डिलीजेंटली उसको सीख रहे हैं, हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, और कुछ होता है अनकॉन्शियस, जब हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहते और हमें समझ में आ गया. होता है ऐसा कभी? कैसे? हम कुछ और चीज कर रहे थे बाई चांस. हम कुछ मान लीजिए, हम घर पे कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं हम, तो पार्टी प्लान करने के लिए हम पहले से रिसोर्सेस देखते हैं कि भाई खाने पीने का सामान, स्नैक्स, डेकोरेशन, कौन कौन से गेस्ट हैं, वो सब हम प्लान करते हैं. हाँ, और वो सब प्लान करते करते हमें कहीं पे क्लिक हो जाता है, अरे मैनेजमेंट में यही तो पड़ा था प्लानिंग. इसी को तो प्लानिंग करते हैं कि कोई भी इवेंट अगर हम प्लान कर रहे हैं, कोई भी चीज हम प्लान कर रहे हैं, कोई भी काम प्लान कर रहे हैं, मैनेजमेंट में क्या करते हैं, यही सब होता है ना, प्लानिंग, एस्टिमेशन, एग्जीक्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, यही सब होता है ना. तो हमें एकदम से याद आ जाता है, अरे इसका मतलब जो मैम पढ़ा रही थी यही कह रही थी मैम, है ना. तो ऐसे करके समझ में आ जाता है. लर्निंग इज टोटल रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स टू टोटल सिचुएशन. लर्निंग क्या होती है कि उसमें छोटा मोटा हमें पार्टिसिपेशन नहीं, पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन 100%. यानी कि कोई भी सिचुएशन होगा तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा रिएक्शन देना पड़ेगा अपना. लर्निंग इज क्रिएटिव एंड एक्टिव. क्रिएटिवली एक्टिव होना पड़ेगा. लर्निंग इज इंटेलेक्चुअल. हमारा माइंड डेवलप होगा. लर्निंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, अब आप बताओगे क्या होता है. मैंने बहुत बार बताया होगा क्या होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. क्या होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स? नहीं पता, बताओ, अब बताओ. आप ही बताओगे. क्यों देते हैं हम रिस्पॉन्स? हाँ, तो वो है स्टिमुलस, जो हमसे पूछा गया है, जो सिचुएशन है हमारे सामने, जो ये हो गया एक्शन और ये हो गया रिएक्शन. रिएक्शन कैसा होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्शन के ऊपर. अगर मैं आपसे प्यार से बात करूंगी तो आप मुझसे प्यार से बात करोगे. अगर मैं आपको डांट दूंगी तो आप अगली बार से मेरी क्लास में नहीं आओगे, है ना. एक्शन और रिएक्शन, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. तो ये है टेक्निकल लैंग्वेज हमारी एजुकेशन की, लर्निंग की टेक्निकल लैंग्वेज, कि हम किसी भी तरीके के एक्शन को बोलते हैं स्टिमुलस, और उसके अगेंस्ट जो हमें सामने से मिलता है रिप्लाई, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स. यानी कि हम, जैसे कि आपने पढ़ा नहीं है क्या साइकोलॉजी में, वो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा है? चूहे को एक केज में डालते हैं, वो घूमता रहता है, यहाँ पे सामने खाना रखते हैं,
हाँ फिर देखते हैं कि वो कितनी कोशिश कर रहा है उस पिंजरे से निकलने की। खाना खाना क्या है वहां पे, खाना है स्टिमुलस कि हमने एक्शन दिया है उसको कि इसको उसको खाना लेना है। अब उसका जो रिस्पॉन्स है चूहे का वो डिपेंड करता है, यानी कि उसका रिस्पॉन्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्शन की इम्पोर्टेंस पर, स्टिमुलस की। अगर उसको भूख लगी है तो वो कुछ भी करेगा, खाना खाना चाहेगा। और अगर वो भूख नहीं है उसको तो ठीक है, रखा है खाना, रखा रहे मैं तो अपना चलता रहूँगा घूमता रहूँगा, है ना। तो ये ऐसे करके है, शायद मैंने एग्जैक्ट भी ना बताई हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस तरीके की से कुछ है। ऐसे मंकी का भी कोई एक्सपेरिमेंट है, जानवरों पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया है ना सब लोगों ने, जानवरों के मिलेंगे आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स। हाँ डॉग पर भी है। तो मतलब किस सिचुएशन में रिस्पॉन्स अफेक्ट होता है स्टिमुलस से और कितने लेवल तक, कितने डिग्री तक, वो हम हमारा डिपेंड करता है। तो लर्निंग में स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, लर्निंग के ऊपर अगर लर्निंग चाहिए हमें तो स्टिमुलस भी इम्पॉर्टेंट है और रिस्पॉन्स भी, तभी लर्निंग हो पाएगी। क्योंकि स्टिमुलस क्या है, हमारा एक्शन जो हम पढ़ा रहे हैं वो, और रिस्पॉन्स क्या है, आप उसको कैसे गेन कर पा रहे हो, आप उससे कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए लर्निंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। चलिए खत्म करते हैं क्लास को, लर्निंग वाला हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे लर्निंग नॉलेज एंड स्किल्स, डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग तो पता चल गया, उसको अलग अलग तरीके से कैसे जाने वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच क्लास। Thank you.
लेकर जाओ आ जाओ कैसे पापा से बात करूंगी क्या
Thank you.
क्लास सर छुट्टी पे है, किसी की डेथ हो गई है। मैं कहाँ बैठू? यहाँ बैठ जाऊँ? यहाँ कोई नहीं है, कंप्यूटर ऑन है ना। कोई नहीं, मतलब मुझे लगा कि कोई बैठा हुआ है यहाँ। आज आया नहीं, अनुपम आए नहीं है, छुट्टी पे आ जाए।